हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि UPRVNL में TG2 की और अदर बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं और इसका फॉर्म 7 मार्च से भरना शुरू होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी थे जिन्होंने वैकेंसीज की नोटिफिकेशन देखने के बाद बहुत सारे सवाल पूछे हैं और ये बहुत सारे सवाल बहुत कॉमन हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ही सवाल पूछा है। यही वजह है कि आज आपको इस वीडियो के माध्यम से उन सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा ताकि आपके सवाल कई और लोगों के काम भी आ सकें। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो रिपीटेड हैं, तो आप में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने ये सवाल पूछा होगा या फिर उनके मन में ये सवाल चल रहा होगा। तो आज की वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जाएगी वो सब आपके ही सवालों के जवाब होंगे और आपके दिमाग में चल रहा है जो भी क्वेरीज चल रही हैं उन सभी को आज शांत किया जाएगा। बात करें अगर सबसे पहले सवाल की, तो सबसे पहला सवाल जो पूछा गया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने एक ही सवाल पूछा है, वो ये है कि क्या इस भर्ती में CCC अनिवार्य है, क्या बिना CCC के फॉर्म नहीं भरा जा सकता, मेरे पास CCC नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो देखिए, इस वैकेंसी में जो CCC है उसको कंपलसरी रखा गया है। CCC जो है वो अनिवार्य है, ये याद रख, ये बात सही है कि CCC आपके लिए कंपलसरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप CCC के बगैर फॉर्म नहीं भर सकते। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको CCC सर्टिफिकेट दिखाना अनिवार्य है। यानी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आपके पास CCC होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी फॉर्म स्टार्ट होने से पहले से लेकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक का आपके पास समय है। बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास अभी भी CCC नहीं है, मैंने उन सबको यही सलाह दी है और आप लोगों को भी यही सलाह दूंगा कि जिसके पास CCC नहीं है वो CCC के लिए अप्लाई कर दे, एग्जाम दे दे और CCC का सर्टिफिकेट जल्द से जल्द प्राप्त कर ले, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भले ही आप पहुंच जाएं लेकिन अगर आपके पास वहां पे CCC नहीं होगा तब आपको वहां से बाहर कर दिया जाएगा। दूसरा सवाल जो कि बहुत कॉमन है, कई लोगों ने पूछा है, वो ये है कि क्या इस भर्ती में कंप्यूटर आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि क्या RVNL की जो वैकेंसी है इसमें कंप्यूटर का पेपर होगा या नहीं होगा। तो याद रखिए कि RVNL में केवल और केवल CCC की रिक्वायरमेंट की गई है और जब CCC का डॉक्यूमेंट मांगा गया है तो इसमें कंप्यूटर का पेपर नहीं रखा गया है। तो अगर UPBCL की बात करें तो वहां पे CCC नहीं मांगता है, वहां पे आपसे कंप्यूटर का पेपर होता है, वहां पे आपको कंप्यूटर का पेपर पास करना होता है। ये चीज यहाँ नहीं है, यहाँ पे आपसे CCC का सर्टिफिकेट ले रहे हैं और यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर का पेपर नहीं देना होगा। तीसरा सवाल जो कि कई लोगों ने पूछा वो ये है कि क्या COE इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कौशल विकास से ITI किया हुआ है, कौशल विकास से 2 साल का सर्टिफिकेट लिया है। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास 2 साल का COE इलेक्ट्रिकल है वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 2 साल के वाले जितने भी हैं सब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 6 महीने का जो COE लेकर के बैठे हैं सर्टिफिकेट वो लोग इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। तो 2 साल वालों के लिए कोई परेशानी नहीं है, आप लोग फॉर्म अप्लाई करिए। इसके बाद जो कई स्टूडेंट्स का सवाल आया वो ये था कि मेरे पास ITI इलेक्ट्रिकल से है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कहा कि मेरे पास ITI इलेक्ट्रीशियन में पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन से है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। तो याद रखिए कि ITI मांगा है इलेक्ट्रीशियन से, तो इलेक्ट्रीशियन हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो दोनों ही लोग फॉर्म भर सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन में चाहे आपने पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन से किया हो तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो अगला सवाल है वो बहुत ही कॉमन है, वो ये है कि क्या एलिमेंट्री मैथ वाले फॉर्म नहीं भर सकते, क्या एलिमेंट्री मैथ वाले इस भर्ती का भाग नहीं बन सकते। तो देखिए, नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि जो हाई स्कूल होना चाहिए वो आपका मैथ और साइंस विषय इसमें होना चाहिए। इसमें ये नहीं लिखा है कि एलिमेंट्री मैथ नहीं हो सकता या फिर एलिमेंट्री मैथ वाले नहीं भर सकते। तो जो मेरा मानना है वो ये है कि आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। बाकी 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग यही सवाल RTI के माध्यम से विभाग से पूछ सकते हैं और विभाग से 100% सेटिस्फाइड आंसर प्राप्त कर सकते हैं। जब से UPRVNL में वैकेंसीज आई हैं तब से डिप्लोमा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके अंदर बेचैनी है, और बेचैनी इस वजह से है क्योंकि
सभी पदों के लिए वैकेंसीज आई हैं, लेकिन जेई के पद के लिए वैकेंसी नहीं आई है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि यूपी आरवीएनएल में जेई की वैकेंसीज कब तक आएंगी। तो देखिए, यूपी आरवीएनएल में जेई की वैकेंसी प्रस्तावित थी, आनी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वैकेंसी नहीं आई। तो अब ये वैकेंसी कब आएगी या कब तक नहीं आएगी, इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रतीक्षा करें और जल्द ही कोई अगर सूचना मिलेगी तो आप सबको अपडेट दी जाएगी। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ये सवाल कर रहे हैं कि मेरा जो हाई स्कूल है उसमें किसी सब्जेक्ट में ग्रेस लगा हुआ है या मैं ग्रेस के साथ पास हुआ हूं, तो क्या मैं इस भर्ती में भर सकता हूं, क्या मैं जो वैकेंसी है उसमें अप्लाई कर सकता हूं, मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय बाहर तो नहीं कर दिया जाएगा। तो याद रखिए कि इससे पहले यूपीपीसीएल भी ग्रेस मार्क्स वालों को अपने यहाँ रिक्रूट कर चुका है, भर्ती में उन्होंने अप्लाई किया था और बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वो इस समय जॉब भी कर रहे होंगे। तो आप लोगों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक मुझे पूरी उम्मीद है कि जब यूपीपीसीएल में ग्रेस मार्क्स वालों को लिया गया था तो आप लोगों को भी लिया जाएगा यूपीआरवीएनएल में। बाकी 100% कन्फर्मेशन के लिए आप लोग आरटीआई के माध्यम से विभाग से डायरेक्ट पूछ सकते हैं और 100% करेक्ट आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये थे आप में से बहुत सारे छात्रों के सवाल जो कि काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे, और इन सब के बारे में जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिए, और आरटीआई से संबंधित अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो वो मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दिया है और उसका लिंक मैं इस वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। जो छात्र आरटीआई फाइल करके अपने सवाल का जवाब डायरेक्ट विभाग से जानना चाहते हैं तो वो लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें और आरटीआई ज़रूर फाइल करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा और उसको ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि आने वाली जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। और याद रखिए कि इलेक्ट्रिकल विजन पर बहुत ही जल्द आप लोग के लिए फ्री क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। आरवीएनएल के लिए भी बहुत जल्द जो वैकेंसीज हैं उसके लिए भी तैयारी कराई जाएगी। तो जो लोग किसी वजह से वैकेंसीज की तैयारी नहीं कर सकते कहीं जाकर के, वो अपने घर बैठे अच्छी तैयारी कर सकते हैं।